अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिफेंस। आज हम मशरूकी पाकिस्तान के बारे में एक ऐसी गुमनाम कहानी सुनाएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। ये सितंबर 1972 का साल था जब हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अक्वामे मुतहदा में बांग्लादेश को तस्लीम करवाया जाए। अक्वामे मुतहदा की जनरल असेंबली में ये बहस जोरों शोर से जारी थी कि आया बांग्लादेश को एक मुल्क तस्लीम किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि मशरूकी पाकिस्तान की अलहदगी के बावजूद बहुत सारे बंगाली इस बात पर मुत्तफिक थे कि बांग्लादेश को बांग्लादेश कहना दुरुस्त नहीं, बल्कि इसको मशरूकी पाकिस्तान ही कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि असल पाकिस्तान बनने की इब्तिदा तो हुई ही ढाका से थी। हत्ता के मशहूर बंगाली अलहदगी पसंद मौलाना बाशानी भी इस हक में थे कि बांग्लादेश का नाम मशरकी पाकिस्तान ही रखा जाए। ये सूरत हाल हिंदुस्तान के लिए लाजमन नाकाबले कबूल थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दोबारा मिलाप का खतरा बदस्तूर मौजूद रहता। लिहाजा हिंदुस्तान की पूरी कोशिश थी कि बांग्लादेश को अक्वामे मुतहदा में जल्द से जल्द तस्लीम करवा लिया जाए। बांग्लादेश की तरफ से जो वफ्द अपने मौकिफ की तायीद कर रहा था, उसकी क्यादत चटागांग से चकमा कबीले की मलका राजमाता बिनियाता राय कर रही थी, जबकि पाकिस्तानी वफ्द की क्यादत उसी बनीता राय का बेटा किंग तरी देव राय कर रहा था। दोनों माँ बेटा अक्वामे मुतहदा में आमने सामने थे। हिंदुस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर किंग त्रिदेव राय टस से मस न हुए और भरपूर अंदाज ने पाकिस्तान का मौकफ पेश किया। किंग त्रिदेव राय मशरकी पाकिस्तान चटागांग में बसने वाले बुद्धमत कबीले चकमा के बादशाह थे। 1970 के इलेक्शन में पूरे मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग सिर्फ दो सीटों पर भारी थी, जिनमें से एक सीट किंग त्रिदेव राय की थी। इस सीट को खरीदने के लिए हिंदुस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। हत्ता कि जब लालच से काम ना बन पाया तो जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए शेख मुजीबुर रहमान की मां को किंग त्रिदेव राय के दरबार में भेजा जाता है कि पाकिस्तान की हिमायत छोड़ दे, आपको बांग्लादेश का सदर बना दिया जाएगा। तब किंग त्रिदेव राय ने तारीखी जुमला कहा कि मैं अपनी बादशाहत तो छोड़ सकता हूं, मगर पाकिस्तान से गद्दारी नहीं कर सकता। जब 1971 की जंग शुरू हुई तो किंग त्रिदेव राय मशरकी पाकिस्तान से एक वफ लेकर निकले और दुनिया के हर उस मुल्क के पास गए जिससे मदद मिलने की जरा से भी तवक्को थी। हत्ता इसी दौरान किंग त्रिदेव राय को खबर मिली कि हिंदुस्तानी फौज ढाका में दाखिल हो चुकी है। किंग त्रिदेव राय के पास अपनी वफादारी तब्दील करने का यह बेहतरीन मौका था। अगर वो चाहते तो बांग्लादेश चले जाते, जिधर उनका हाथों हाथ इस्तकबाल होता, मगर किंग त्रिदेव राय ने ऐसे नाजुक मौके पर भी पाकिस्तान से गद्दारी करने से साफ इनकार कर दिया। किंग त्रिदेव राय चटागांग के बादशाह थे, मगर वो दिल के भी बादशाह थे। किंग त्रिदेव राय ने ऐलान किया कि जब तक बांग्लादेश दोबारा मशरकी पाकिस्तान नहीं बन जाता, वो वापस नहीं जाएंगे। किंग त्रिदेव राय मरते दम तक अपने फैसले पर कायम रहे, हत्ता कि उनका इंतकाल 2012 में इस्लामाबाद में हुआ। किंग त्रिदेव राय को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ताउम्र विफाकी वजीर का ओहदा दिया गया था। उसके अलावा वो अर्जेंटाइन में 10 साल पाकिस्तान के सफीर भी रहे। किंग त्रिदेव राय उन लोगों में से थे कि जब 1971 की जंग के दौरान बड़े बड़े नाम निहाद मुसलमानों ने अपनी वफादारियां तब्दील कर ली, मगर तब भी ये शेर का बच्चा चांद तारे वाले सब्ज हिलाली परचम के लिए खड़ा रहा। किंग त्रिदेव राय की अपनी नौजवानी में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से कई मुलाकातें हुई थीं, और शायद ये बानियान पाकिस्तान का वो मजबूत किरदार था कि जिसने किंग त्रिदेव राय को मरते दम तक मुतजलजल ना होने दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम किंग त्रिदेव राय को सलाम पेश करती है। किंग त्रिदेव राय ढाका पर एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम लहराता हुआ देखना चाहते थे। किंग त्रिदेव राय की ये उम्मीद पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पर एक कर्ज है, जिसे कभी ना कभी जरूर चुकाया जाएगा।